नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज साथियों हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तेमाल करने वाले वर्ड के विषय में, शब्द के विषय में, और वह है एलर्जी। तमाम मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब एलर्जी हो गई, ये एलर्जी हो गई, वो एलर्जी हो गई, ऐसी एलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज़ से हो गई, उस चीज़ से हो गई, तमाम। लेकिन एलर्जी वर्ड उसमें होता है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलर्जीज के विषय में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निपटें, कैसे आप इसका निदान करें। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एलर्जी होती क्या है। एलर्जी साथियों, आपका जो बॉडी होता है उसका एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। कभी क्या वक्त आता है कि आपका बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो जब आपका एक्सटर्नल कोई इन्फेक्शन आता है या वो इन्फेक्शन नहीं भी होता है, कोई भी एलर्जन होता है जो वास्तव में जिसको आपको एलर्जी नहीं कॉज करनी चाहिए, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स रखता है, उस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को एलर्जी कहते हैं। सपोज कीजिए किसी को मिल्क प्रोडक्ट्स से एलर्जी है, तो जब आपने मिल्क प्रोडक्ट्स का इनटेक करा तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसने जो एंटीबॉडीज बना रखे हैं उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, और इसको मरीज ने आके कहा मिल्क एलर्जी है। तो ये जो बॉडी इम्यून का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है एलर्जन के विरुद्ध में, इसी से उत्पन्न कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। इसमें साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यह जो है कभी बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बॉडी में, कभी यह सालों में होता है, कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है, एक पार्शियल होता है। उस स्थिति में आपके शरीर में एलर्जी मॉडरेट होती है, और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है बीच का कि एलर्जी डेवलप होने के लिए जो एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं उनको जो इम्यून सिस्टम जो रिलीज करता है उनको पूरा डेवलप होने के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको सैनिटाइजेशन कहते हैं। यह एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। एलर्जी में साथियों जिस तरह की एलर्जी वैसा सिम्टम। अगर आपके जो है वो नेसल एलर्जी है तो छींकों का सिम्टम आ गया, अगर आपकी अर्टिकेरिया है तो स्किन में आपके बल्ज आ गए, अगर आपके मच्छर के काटने से आपकी एलर्जी हो जाती तो उस तरह की लाली होगी, मच्छर ने काटा और भारी घाव बन गया, भारी वो स्केल्स आ गए, भारी चकत्ता बन गया, तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों इसका एक सिम्टम में एक स्थिति और होती है जिसको कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, यह एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जो कि एलर्जीज में होती है। जैसे क्या होता है, हम लोग आम तौर पर एलर्जीज को बहुत हल्के में लेते हैं कि एलर्जी है तो है, लेकिन एलर्जी के में अगर यह कंडीशन आपके क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो गई तो यह लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसमें आपके अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपका बीपी भी लो हो जाता है, आपको पेन बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफें होती हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी के आप एंटाइटल्ड होते हैं। तो इस वर्ड को अगर आपके किसी भी चीज़ की एलर्जी है तो आप इस वर्ड को अवश्य ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं साथियों इसके कारणों की। इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई एलर्जन आता है आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको बाहरी पार्टिकल एक इंट्रूडर के रूप में, एक दुश्मन के रूप में रिकग्नाइज करता है, और आपका इम्यून सिस्टम IgE जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वह एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, और यह एंटीबॉडी उस विशेष इन्फेक्शन को पहचानते हैं। कभी यह जल्दी पहचान लेते हैं, कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है, कभी महीनों का, कभी सालों का, लेकिन ये पहचानते हैं। जितना ज़्यादा पहचानते हैं उतना ज़्यादा आपको इसका बुरा रिस्पॉन्स आता है।
तो जब ये आप पहचान लेते हैं तो जब भी वो एलर्जन आपके बॉडी आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपके यह जो एंटीबॉडीज होते हैं यह उस पर हमला कर देते हैं और यह ही आपके मैनिफेस्टेशन के रूप में विभिन्न विभिन्न जिस तरह का एलर्जन उस तरह का मैनिफेस्टेशन उस रूप में आपके सामने आते हैं। इसकी साथियों इसीलिए डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आईजीई का टेस्ट कराता है। कभी आपको एलर्जीज रही होंगी तो डॉक्टर ने आईजीई टेस्ट जरूर कराया होगा, या इम्यूनोहीमोग्लोबिन्स होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं और यही प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है यही आपका एंटीबॉडी बना के आपको सही करने वाली चीज़ को कष्ट के रूप में आपके शरीर में दे देते हैं। एक एलर्जी की साथियों, अब विंटर्स आ रहे हैं, बच्चों को हम लोग अंडा देने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंडे में बहुत प्रोटीन होता है। WHO अंडे को और मिल्क को दो को कंप्लीट फूड कहता है। मिल्क के बाद सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन एग में माना जाता है, तो एग देने की हम लोग बच्चों को कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एग से किसी को एलर्जी है तो आप क्या करेंगे? बस बात यही है कि आप इस बात का बस ध्यान रखें, कोई भी दवा, जैसे हमने कहा कि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी एनाफाइलेक्सिस की एलर्जीज के साथ इन्वॉल्व रहती है, इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। पता नहीं कि दवा का क्या मैनिफेस्टेशन हो और आपको क्या वह नुकसान पहुंचाए। बताते हैं साथियों आपको एलर्जी को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एग एलर्जी की साथियों। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा होम्योपैथी में जो एग एलर्जी की है वह है कार्बो वेजिटेबल्स। अगर बच्चे को एग से एलर्जी है या बड़े को एग से खाने से एलर्जी है, यानी उसके खाने से उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, उसके एंटीबॉडीज जो इम्यून सिस्टम के वह हमला कर देते हैं और स्थिति बिगड़ती है, तो ठीक करने की बहुत कारगर दवा कार्बो वेजिटेबल्स है। जब आपके कुछ भी खाने पर लूज मोशन आ जाते हों और आपको तकलीफ होती हो तो ड्रग ऑफ द चॉइस कार्बो वेजिटेबल्स है। एक स्थिति साथियों बनती है कि आपके लूज मोशन आ रहे हों और साथ में आपके पेट में दर्द हो एक एलर्जी में, तो अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नक्सोमिका है। आप नक्सोमिका 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपके पेट का दर्द भी खत्म हो जाएगा, आपको अंडा खाने पे जो लूज मोशन आ रहे हैं वहाँ भी खत्म हो जाएंगे और लाइकवाइज आपके एग एलर्जी भी खत्म हो जाएगी। एक स्थिति है कि अगर आपके एग एलर्जी हो रही है, अंडा खाने से एलर्जी हो रही है और आपके स्किन में खुजली शुरू हो जाती है, अगर वह स्थिति हो साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सल्फर है। आप सल्फर वाली इनके 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दे दें, आप देखेंगे कि आपके जो अंडा खाने पर शरीर में खुजली और जलन है वह पूरी तरह ख़त्म हो गई और आप फिर कॉन्फिडेंस और सशक्त रूप से अंडा खाते रहेंगे। फिर साथियों एक बहुत अच्छी दवा है एग एलर्जी की ही उस स्थिति में कि जब आपके अंडा खाने से आपको जो है पेट में मरोड़ होती हो और आप बहुत इरिटेशन और एजिटेटेड फील करते हो, अगर यह स्थिति हो कि आपको एक खाने पे एक एजिटेशन महसूस होता हो दिमाग में और एक उलझन पैदा हो जाती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा नेट्रम म्यूराटिकम है। आप नेट्रम म्यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपका जो एग खाने के बाद वॉमिटिंग है, जो मन में एक एजिटेशन और बेचैनी है, वह ख़त्म हो जाएगी और आप खुशी से अंडे का सेवन कर पाएंगे। संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। ये दवाएं थी आपके एलर्जी के विषय में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं। उम्मीद करेंगे इन दवाओं से आपको एलर्जीज में फ़ायदा हो। आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।